हेलो फ्रेंड, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो होंडा हाइनेस एनिवर्सरी एडिशन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जो होंडा हाइनेस का एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च हुआ है दो कलर में, होंडा जो है पहले हाइनेस लॉन्च किया इंडिया में, फर्स्ट लास्ट ईयर आया था, जो कि होंडा हाइनेस में दो वेरिएंट आया था, एक DLX एंड DLX प्रो। जो DLX था उसमें ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी नहीं था, जो DLX प्रो था उसमें ब्लूटूथ प्लस ड्यूल हॉर्न आता था, इसीलिए उसका जो प्राइस था उसमें डिफरेंस 5000 का डिफरेंस था प्राइस में ऑलमोस्ट। ये जो बाइक एनिवर्सरी एडिशन में अभी एक साल के बाद दोबारा लॉन्च किया गया, इसमें सेम इंजन है, इसमें दो कलर में एनिवर्सरी एडिशन में आया, एक ग्रीन कलर है और एक ब्लैक कलर है। दोनों कलर बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो कलरिंग जो एनिवर्सरी में लॉन्च किया गया है इसमें फुल्ली ग्लोसी एंड लाइट कलर है पूरा। सो इसके फीचर्स वगैरह में बेसिक फीचर स्पेसिफिकेशन मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। ये जो एनिवर्सरी एडिशन है दोस्तों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जो इंजन वगैरह है वो सेम इंजन है जो हाइनेस में आता था वो सेम इंजन आ रहा है। जो DLX प्रो वेरियंट था उसके ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें केवल आपको जो केवल इसमें डिज़ाइन के ऊपर लाइक स्टिकरिंग्स जो हम टैंक के ऊपर देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट एनिवर्सरी का स्टिकरिंग लगाया गया है, प्लस आपको इसमें सीट जो है स्प्लिटिंग सीट बाय डिफ़ॉल्ट आता है कंपनी से फिट होके, जो कि हाइनेस में जो नॉर्मल वेरिएंट आता था उसमें सिंगल सीट आता था, इसमें स्प्लिटिंग सीट है, लुक लाइक से रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एंड जो गोल्डन स्टिकर जो है आपको दिखेगा, होंडा का जो बैजिंग लगाया वो बड़ा बड़ा गोल्डन कलर में इसको लगाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। और इसमें जो साइड स्टैंड जो आता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम कलर का आता है, उसमें जो है क्रोम कलर नहीं आता था। तो मेजर जो इसमें चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा और टैंक के ऊपर जो है फर्स्ट एनिवर्सरी का स्टिकरिंग दिखेगा, प्लस बैजिंग वगैरह जो है होंडा का गोल्डन कलर का लगाया गया है, जो कि काफ़ी देखने में शाइनिंग दूर से ही पता चल जाता है। और जो सीट है वो स्प्लिटिंग आता है बाय डिफ़ॉल्ट एंड इंजन आपको सेम मिलता है, वो इंजन जो उसमें आती थी होंडा हाइनेस में वो सेम इंजन इसमें भी इंस्टॉलेशन किया गया है, जो कि इसमें ड्यूल हॉर्न आता है, जो कि हाइनेस DLX प्रो में भी ड्यूल हॉर्न आता था। इसका जो प्राइस है वो 3000 ज़्यादा रखा गया है, सो ऑलमोस्ट आपको 2,03,739 ₹100 प्राइस है, ऑन रोड प्राइस 2,45,000 आ सकता है। इट्स डिपेंड टू एवरी स्टेट, हर एक स्टेट का अलग अलग ऑन रोड प्राइस होता है, इट्स डिपेंड बिकॉज ऑफ द रोड टैक्स। तो इंजन का डायमेंशन में इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इंजन सेम है, 350 सीसी का इंजन लगा जो कि हाइनेस में भी आता था। और इसका वेट जो है 181 kg है एंड फ्यूल टैंक 15 लीटर का है एंड आपको टोटली ड्यूल चैनल एपिस के साथ आता है। सो इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय।